छोटी बच्ची हो क्या? DGX एडिटिंग तो मैंने पूरी कर दी थी, रेंडर पे भी व्लॉग लगा थे, और रेंडर पे लगते लगते ही सो गया मैं, और अब जाके व्लॉग आउट करो। 10:05 हो रहे हैं, वो तो बच गए हम, बट मैं एकदम से उठा, दीदी आई, दीदी ने मेरे को उठाया और मैंने बस व्लॉग आउट लगा दिया। अब भाई डर गया मैं एकदम से। सीन में बता दो क्या हुआ। पहले रात में मेरे को इतनी तेज नींद आ रही थी क्लोरीन की वजह से, तो मैं मतलब पूरी एडिटिंग तो मतलब मैंने आधी एडिटिंग करी और मैं वो उसमें ही लुढ़क गया। फिर बीच रात में मैं उठा, पूरी एडिटिंग करी, रेंडर पे व्लॉग लगाया, फिर लुढ़क गया रेंडरिंग के टाइम। दीदी ने उठाया, मैंने अब तो अपलोड कर दिया, तो टेंशन फ्री हो गया, एंग्जायटी पीक पे आ जाती है यार। कोई ना, व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू 365 days 365 व्लॉग्स। होप यू ऑल गुड एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय मॉर्निंग गॉट अ लिटिल बैड, बट इट्स ओके। और रात में ना ऑलू मेरे साथ ही सोया था, अभी कहां है पता नहीं, बट मेरे कमरे में सोया था मस्त, वो एसी की हवा खाते हुए। दीदी कहां है ये, आपको नहीं पता? नहीं, खिला क्या रहे हो? मैं आज कुछ नहीं खिलाने का प्लान मेरा। ओके ठीक है, थैंक यू। मैं ना कल क्या खिलाओ कल ना जो मैंने स्विमिंग पूल में रेस लगाई थी सेकंड, दोनों की स्टार्टिंग में मेरे को बहुत तगड़े क्रैम्प आए, मतलब बाद में लेंथ में लगाई थी, ब्रेथ में तो जो एक हाथ से करी थी वो करी थी, ब्लॉक जब ऑफ था उसके बाद मैंने दो रेस और लगाई थी, दोनों में मेरी दोनों मतलब काफ पे इतने तगड़े क्रैम्प आए ना मजाक से हट के, लाइक इट्स स्टिल पेनिंग, और मेरे को चलते फील हो रहा है वो, मतलब कल सोते भी बहुत दर्द हो रहा था, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। भैया कमर में सोया था कल, मेरे कमरे में किया था। ओए हाथ से तो नहीं सोएगा, टाइमिंग ही नहीं अभी तक क्लिक हुई ना, वो तो क्लिक करनी पड़ेगी ना। अरे कभी भी इधर उधर डोलने लग जाता है हमको, क्या क्लिक करें हम टाइमिंग। मेरे हेडफोन से क्या कर रहे हैं, क्या है मेरी? अरे मैंने आपको भाई वहाँ पकड़ाई थी चाय। अच्छा, अभी आप क्या बना रहे हो अभी? ये क्या तल के पीनट्स तल के ज्यादा कुछ नहीं बना। सही बताओ, सवाल है क्या बनाई थी? तो अब हक है सवाल पूछना, सुन देखो, सुनते तो हो नहीं मेरे सजेशन, तो हक तो दे दो, थोड़ा सा पूछ देगा वो भी छीनोगे, गरीब आदमी पूछे भी ना। क्या वो क्या बाहुबली वाली शील्ड लेके चल रही हो? कटप्पा क्या पोहा खिला रही हो क्या? आज तो पोहा बहुत दिन में बन रहा है। पोहा बहुत दिन में का मन रहा है, पिछले हफ्ते तो खाते हो बैन बीज पिज्जा मीजा रोज खाते हो? मीजा नहीं खाते हम, पिज्जा ही खाते हैं। मीजा कोई नई डिश नहीं, एलू के पराठे रोज खाते हैं। एलू के और अंडरटेकर पानी तो नहीं भरा होगा? मैंने रात को बोल दिया था वंश पी रहे हो पानी, भर के रखो नहीं तो मैं नहीं भरूंगी। एमी कब गई? जब मैं पूछने आई थी वंश स्कूल है एसी बंद कर दो, ऑलिव ने गंद मचा दिया। बोल मैंने बोला है आई डोंट रिमेम्बर। मैं को वीडियो बना के तुम्हें सेंड करना चाहिए कि तुम नींद में बोल क्या रहे थे। या मैं नींद में ना बोलता बहुत कुछ हूँ, मेरे को याद नहीं रहता भाई साहब। एक तो गर्मी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जब भी आप जाओ पॉटी करने और वो बम शार जो होता है उसमें जब गर्म पानी आता है ना इसे स्प्लैश होके, भाई मजाक सट के बहुत ही मतलब क्या बोला, बड़ी पर्सनल सी फीलिंग है ये। आई नो इट्स अ वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन, बट जेलिसी में लोगों की जलती है, ये बम शार के पानी से भी जलती है, समझ रहे हो ना, बम जलता है। समझ रही हूं, निकलो यार, आपको भी उल्टी हो जाएगी, निकलो। भाई मेरे को पर्सनल था, मेरे का थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ा वियर्ड मेरे को भाई मतलब। और गर्मी में मेरे को गर्म पानी से नहाना नहीं है, जबरदस्ती का गर्म पानी भी चलता रहता है यार सुबह सुबह, और दोपहर के टाइम मैं नहा ही नहीं पाता। 11 बजे मेरे को ट्यूशन जाना है, उतने में मेरे को जितना मैं खा सकता हूँ जितना मैं ब्लॉक कर सकता हूँ कर लो, वैसे वहाँ तो कर लेंगे बीच बीच में दुबकी में ब्लॉक, बट स्टिल 11 से पता नहीं कितने बजे तक चलेगी, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, बट 4:30-5 बजे तक तो चलेगी चलेगी मिनिमम ट्यूशन है ना। उसके बाद आई विल गेट फ्री, तभी मैं जिम जा पाऊंगा एंड ऑल, मतलब बहुत हेक्टिक होने वाला है आज से मेरा। उसके बाद आई विल गेट फ्री, तभी मैं जिम जा पाऊंगा एंड ऑल, मतलब बहुत हेक्टिक होने वाला है आज से मेरा। बोर्ड्स की तैयारी है ना, आई नो यू गाइस अंडरस्टैंड, बट ये मेरा प्रॉमिस है, आफ्टर माय बोर्ड्स विल गो ऑन अ ट्रिप, है ना दीदी? और दीदी स्पॉन्सर करेंगी हमारी ट्रिप, शिवा दे कारा दे पारी दे ट्रिप दे। घर तो मुझे जाने दिया नहीं। हाँ ट्रिप स्पॉन्सर कर दो फिर। हाँ बोल दिया, मुंडी लाई मुंडी लाई। हाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, अब ट्रिप आपने मेरी स्पॉन्सर करनी है दीदी। बच्चे चलो खा रहे फाइनली माफ हो रही है ना, ऐसे ही कर रहे हैं खाना ना, मतलब छोड़ दे गर्मी के चक्कर में, और फिर खा रहे बाद में आराम से जब इनको लगता है खाना चाहिए। और हाँ सरप्राइजिंगली जब मैंने बोला ना दीदी ने मेरे एक महीने से बेडशीट नहीं बदली, मेरे कल मैं दिखाना भूल गया, मेरे कल हो गया, ये सब हो गया, मैंने अभी तक चाय की एक सिप भी नहीं पी है यार। और हम ये ना चैलेंज जीत रहे दाढ़ी बढ़ाने वाला धीरे धीरे करके। ये क्या हो रखा है, भूत माता चढ़ रही है दीदी? ओए भूत आया, ओए ओए देखो सही बाबा तंग बली किट पड़ा दे। अब ऐसे मुकर रखो ऑलिव की तरह। क्या कर रहे क्या कर रहे निकलो यहां से। तंग बली किट पड़ा दे जैसे ऑलिव रे। हम बहुत काम करते हैं, काम कर देना ठीक है। चलो जी निकलते हैं ट्यूशन, तो दिनों बाद हमने चश्मा पहना है, नहीं तो है नहीं, लेकिन परफ्यूम अच्छे से मार लिया है हमने। कोई ना, और यार
नहीं ले ली पानी की बॉटल ले ली, जैसे यार टक फील हुआ ना मतलब ले ली हमने पानी की बॉटल। हेयर बैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब बाद में अगर बाल थोड़े से बिगड़ जाए तो सेफ्टी के लिए रखते हैं ये चीज। टी शर्ट मैंने बदल ली, कल जो टी शर्ट पहनी थी उससे पास्ता कर गया था। इतने सारे एक्सक्यूजेस है मेरे पास इतनी सारी चीजों के लिए कि मैं, बट ये रूटीन फॉलो करके ना मेरे को मेरा टर्म वन वाला याद आ जाएगा। याद है टर्म वन में हमने कितने पड़े थे भाई रगड़ा। अब मैं शायद से नहीं मतलब 2:30 बजे ब्रेक है, हाँ सॉरी 2:30 बजे एक ब्रेक है, तो उसके लिए मैं शायद से लंच के लिए आऊंगा, तब मैं एम से ही मिल लूंगा। चलो लकीली भाई साहब, वैसे देखने में आज मौसम थोड़ा बारिश वाला लग रहा है क्योंकि काले बादल भी आ रखे हैं और धूप ज्यादा नहीं है और मतलब प्लेजेंट सा हो रखा है सरप्राइजिंगली इस समय, जो इस समय इतना तगड़ी धूप पड़ती है ना, गर्म हवा चल रही है ना कुछ। अगर आज बारिश हो जाए ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मजाक सेट के। चलो जी, फर्स्ट एंड लास्ट ब्रेक चालू हो चुका है, पूरे 3 घंटे लगातार पढ़े मस्त SST और साइंस का सैंपल पेपर करा। टारगेट दिन में 2 सैंपल पेपर्स का है, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के 1-1 सैंपल पेपर्स का ये टारगेट, और ये टारगेट अच्छा चल भी रहा है। भाई किसने गंदी स्कूटी लगाई है भाई, मार दी क्या यार, कैसे लोग हैं यार। मैंने उल्टा इसको यहाँ लगाया हुआ था, देखना बीच में स्कूटी घुसा दी वहाँ पूरी, और यहाँ भी देखो यहाँ मार दी। HR का नंबर और है किसकी है, जरा देखूँ, स्टीकर भी नहीं लगा हुआ। मन कर रहा स्कूटी गिरा दूँ जिसकी भी है, लेकिन बगल में इतनी प्यारी बाइक है ना, मैं इसको हार्म नहीं करना चाहता। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये स्कूटी लेने का एक है, बस एक ही है और वही रहेगा हमेशा, कि इसका कलर, इसका मैट कलर, और जिसके चक्कर में हमेशा इसमें इतनी मिट्टी जम जाती है, इतनी मिट्टी, कितना भी इसको रोज साफ करो मतलब मिट्टी ही मिट्टी रहती है यार इसमें, मैं क्या ही बोलूँ। देखो एक चीज थी जो मैंने बहुत ट्राई करा बट अब नहीं हो रहा मेरे से कंट्रोल, तो मैं वो करता हूँ एंड आपको उस चीज के बाद मिलता हूँ। जो लोग समझ गए समझ गए, अब जो लोग नहीं समझे अभी देख लो। एंड वी आर डन भाई साहब, मेरे से नहीं बढ़ाई गई, मैंने कर ही लिया आखिरकार ट्रिम। मेरे को बहुत अनहाइजीनिक लग रहा था मजाक सेट के, हाँ तो मतलब ये यार मतलब थोड़ा मेरे को लग रहा था जी, चुभ भी रही थी बहुत ज्यादा ही, और ना मैं इतना यूज टू हूँ। ठीक है जितनी बढ़ाई बहुत बढ़ाई, अब नेक्स्ट टाइम थोड़े ज्यादा दिन तक कंट्रोल करेंगे। निकरा निकरा मिल तो लो, ये इसमें डालना, ये बहुत अच्छी है। अरे इसमें डालो यार, अरे गंदी गुल्लक है, मजाक कर रहा हूँ, चिढ़ो मत आमी। चला गया मत चला गया, हमें 4:30 में वापस आ जाएंगे। डांट खाए बिना ये भी नहीं मानती आमी है निकरू, ये लगता है आपको कुछ करने देगा, ओए प्यार कर दे इसको। क्या नया लगवाया है? बस तो और उस पे आज दाल गिर गई। ठीक, दाल और? दाल गिर गई। और क्या गिर गया? दाल तो मैंने दिया नहीं था। हाँ, सब्जी का ऑयल लग गया। किसका? किसी का और का टिफिन इसने मारा है पक्का। आपको जो काम बोला आप वो करोगी, बैग आपका है ना तो आप डालोगी। सही है बेटा, एस्केप कर जा तू बस, है ना, बाहर टाल दिया कर, पेन मेरे बैग में घूम जाएगा, आप इसको मेरे पेंसिल पाउच में रख दो। ठीक है मम्मा। ये देखने जनाब को तकिए के ऊपर लेटे हुए हैं, वहाँ AC चल रहा है, ठंडी हवा ले रहे हैं पूरी पूरी। ये नहाने का प्लान था बट नहाने का प्लान स्किप हो गया, कोई ना, अब आके अभी 1 घंटे में आ जाएंगे तो मैं और आमी साथ ही जा रहे हैं। मेरे को बस मैथ्स ही पढ़ना जाएगा, फिर आमी मेरे साथ ही आएगी, तो मैंने इसके बैग में अपनी वो एक आधी कॉपी डालनी थी वो डाल के खत्म ही करा। मैंने इतना पूरा बैग ही लेके जाओ, इससे अच्छा एक कॉपी डाल के खत्म करो ना। मेरा भी 2-3 दिन से पानी पीना कम हो गया, ये देखो ये नए दाने आ गए गाल वाल पे, ये सब अब मेरे को 2-3 दिन में वापस खत्म करना। मैंने दवाई भी लगाना बंद कर दी एकदम से, ये देखो ये हाल हो गया। क्या ये यूं यूं मत करा करो दीदी मेरे साथ, मैं सिखा रहा हूँ, सुनो। अरे बोलो इस वाले दाने का नाम पता क्या है? क्या? लिपिका। बेटा वो लिप के ऊपर हो तो उसे लिपिका बोलते हैं। दीदी सुन लो, सुनो, छोटी बच्ची हो क्या? चलो ए, ट्यूशन के लेट हो जाएंगे। डन विद ट्यूशन, अच्छे से हो गई है। हाय यार अच्छा है, आज बारिश की खुशबू आती है। बारिश हुई नहीं, खुशबू पहले ही आ गई है ना। खुशबू आ जाती है? नहीं आती है, आने दो फिर मेरे को क्या। अच्छे से मैथ्स करा, अभी जाते मेरे को डांट भी पड़ेगी, वो जो कल बच्चों ने जो मेरे को फसाया था, तो मैंने एक बच्चान जी बोलो, आपने भी सिर्फ मैथ्स किया, मैंने भी सिर्फ मैथ्स किया। वेरी गुड। वो जिस बच्चे ने बोला था ना, समझो अब मैं नाम भी मेरे को नहीं पता, तो बच्ची ने मैम को बोला कि मैं फोन देख रहा हूँ, ठीक है। अब वो बच्ची को बोला, बच्चे ने आगे जो बैठा हुआ था उसके बगल में, कि जो बच्ची के आगे जो बच्चा बैठा था उसने बोला था कि भैया के फोन में देखो कि ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे को जब बच्ची ने मैम को बोला कि मैम इसने मेरे को बोला, बच्चे ने बच्चे को बोला था कि ये देखो, तो मैंने वो बच्चे को देखा, मेरे को लगा किसने बोला, कि 2 बच्चे खड़े थे उसके उस समय बगल में, तब तो उस बच्चे को लगा कि मैं उसको वैसे स्टेयर दे रहा हूँ, जबकि मेरा इन जनरल ये स्टेयर था कि कौन सा है ऐसे ये वाला, ठीक है। अब वो बच्चे ने घर जाके बोल दिया कि मैं उसको ऐसा स्टेयर दे रहा था, बहुत ही डरावना वाला स्टेयर दे रहा था, जो मैं एमी को देता हूँ जब ये गंदी हरकत करती है वो, लेकिन वो मेरा स्टेयर वो वाला नहीं था वो। अब वो बच्चे ने मिस्टुक कर दिया, आपके लिए बहुत भारी भरकम शब्द है। अब उस चक्कर में मेरे को डांट पड़ गई, और ना वो मेरे फ्रेंड थे।
आपके फ्रेंड्स ही मेरे को फंसा रहे हैं, देख लो उनको बता दो कि मैं एमिडॉन का भाई हूँ। बच्ची बच्चा भाई क्या कहानी गई है ये। अब मैं जाके नहाता हूँ, फिर जिम भी निकलना है। जिम जाते फिर नहाते हैं, मेरे को पता है नहाना स्किप हो ही जाएगा। अभी हम चले एक शॉर्ट राउंड पे, ऐसी मतलब मौसम बढ़िया हो रहा है, कुछ करने को है नहीं, और पढ़ के आज हम एग्जॉस्टेड हो चुके हैं क्योंकि हम अच्छे से पढ़े हैं तो जाना बनता है। डोंट आप लोगों को सॉरी, बड़ा ऐसे मन कर रहा, थोड़ा घूमाता हूँ तो बस। हाँ, थोड़ा ऐसे चक्कर चक्कर काट काट के एंजॉय करके आते। मोटो ब्लॉगिंग अभी नहीं करूंगा इसलिए हाफ फेस लिया मैंने। भाई साहब मैं 2 मिनट मासी को छोड़ने आया था और आपको स्काई दिखाता हूँ कितना प्यारा हो रहा है। ये देखो यार एकदम पिंक पिंक, अभी पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा बट आगे जाके थोड़ा दिखाता हूँ मैं, कितना प्यारा हो रहा है यार। मजाक से उठ के डन विद वर्कआउट, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेग डे, बट एक एक्सरसाइज नहीं हो पाई लेग एक्सटेंशन क्योंकि वो मशीन ही टूट गई है। नमस्ते। अब आएगा, मैच होएगा, ये करेगा वो करेगा, ड्रामेबाज की क्या बात है। ट्यूशन थी मेरी, मेरे को डांट पड़ गई आज। वैसे भी रोज ही पड़ती है, टाइम से तो तुम जाते हैं। मैं टाइम से ही निकलने वाला था, एमी के चक्कर में लेट हुआ हूँ। एमी कुछ नहीं कहती, सॉरी लास्ट मोमेंट में ना करने के लिए माफी। क्या हुआ तेरे मुंह को, पैर पे मत कर, मुंह को क्या हुआ है? रैम खा लिया तेरे पे बट मुंह को क्या हुआ है? हेलो, कितने का पड़ा एक नींबू? 15 रुपए का एक नींबू है। इतना महंगा क्यों हो गया? क्रॉप फेलियर, बताओ। हाँ फिर ब्लैक में बेचेंगे नींबू को। देखो अब कुछ टाइम तक क्रॉप फेलियर है तो नींबू का बिजनेस कर सकते हैं, पेड़ उगाते हैं फिर ब्लैक में बेचेंगे, ठीक है? ऐसी कर करके हम होम टू होम डिलीवरी देंगे नींबू की सस्ते में। मैंने अपने घर पे टमाटर का पेड़ उगा दिया उसमें। सुनो तो, अरे सुनो तो, बिजनेस स्ट्रेटेजी है। फिर ऐसी करके वो पैसे बुलाएंगे और फिर हम शार्क टैंक जाएंगे, शार्क टैंक में जाके हम इसकी इक्विटी मांगेंगे, फिर हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। पर उससे पहले हम कड़ी चावल खाएंगे। ये रे 15 रुपए के एक नींबू, सस्ती मिर्ची के साथ रखे हुए हैं। कहीं कहीं तो भाई साहब मतलब 480 रुपए किलो नींबू मिल रहे हैं, बताओ। हम क्रॉप फेलियर के बारे में पढ़ रहे हैं ये SST में और यहाँ क्रॉप फेलियर असली में ही हो गया। चलो आज का व्लॉग वैसे ही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो। देवी बॉय K1 साइनिंग ऑफ। कल का व्लॉग आते देख लेना। बाय। कल तुम देख बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। मेरे पैर पर आप चढ़ी। चलो बाय। मेरे को अभी जस्ट रियलाइज हुआ मेरा पेपर कल है तो मैं एडिटिंग को ऐसे थोड़ी देर में करूंगा कर रहा था। मेरा अभी कल पेपर है, मैं अभी जल्दी फटाफट एडिटिंग करके सोऊंगा यार।